ये लाइन आती है, परंपरा जान भला मती। इसका अर्थ क्या है? बोल रहे हैं कि जो गुरु वैष्णवों के विचार हैं, जो गुरु वैष्णवों के विचार हैं, जो भाव राज्य के विचार है, प्रेम राज्य के विचार है, उसको गुरु परंपरा के माध्यम से जान लो। इसका अर्थ क्या है कि जो गुरु वैष्णवों ने हमारे को सिद्धांत दिए हैं, उन सबको गुरु परंपरा की कृपा से जान लो। इसीलिए सुबह सुबह इस कीर्तन को क्या करते हैं, हम गाते हैं। और वापिस से ये भगवद गीता के अंदर हम जब देखेंगे तो अर्जुन को भी भगवान क्या उपदेश दे रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम, एवं परंपरा प्राप्तम। यहां बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये जो राज विद्या है ये किसके द्वारा कैसे प्राप्त की जाती है? परंपरा के माध्यम से प्राप्त की जाती है। राज विद्या क्या है वास्तविकता में? सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्या क्या है वास्तविकता में? ज्ञान, कर्म, क्या ये वास्तविकता के अंदर परम विद्या है? तो बोला नहीं। परम विद्या क्या है? किस प्रकार से ब्रजवासी श्रीमती राधिका जी, गोपियां, ब्रज के सखा, यशोदा मैया, नंद बाबा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, ये वास्तविकता में क्या है? सर्वश्रेष्ठ विद्या। और इसको प्रभुपाद जी बोल रहे हैं परंपरा जान भल मते। परंपरा के माध्यम से इस वस्तु को क्या करो, भली भांति जान लो। गुरु वैष्णवों के जो विचारधारा है उसको भली भांति जान लो। ये वास्तविकता में इस कीर्तन को करने का क्या है, तात्पर्य है। तो यहां पर हम सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी से ये बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे कि देखो हम सुबह हम जय ध्वनि देते हैं। कुछ भी कार्य शुरू करना है जय ध्वनि, कुछ भी कार्य क्या करना है समाप्त करना है तो जय ध्वनि, कहीं पर जाते हैं तो जय ध्वनि, आते हैं तो जय ध्वनि। ये जय ध्वनि जो है इसकी महिमा क्या है, क्यों हम बार बार जय ध्वनि देते हैं? तो इसके बारे में बताया कि जय ध्वनि का मतलब क्या है। जैसे हम बोल रहे हैं जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर षष्ठी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय जयकार हो। इसका अर्थ है क्या है कि हे श्रील प्रभुपाद, आप हमारे हृदय पर विजय प्राप्त करें, आप हमारे हृदय पर विजय प्राप्त करें। और आपने देखा होगा जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, सरकारें तो होती नहीं थी, तो जो राजा महाराजा थे वो जब एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करता था और कोई राजा अगर जीत जाता था तो क्या करता था, जो पुराने राजा हैं उसका जितना भी सब कुछ उसके नियम कायदे कानून है उन सबको हटाकर अपने नियम कायदों को क्या करता था, वहाँ पर स्थापित करता था। ऐसा ही तो होता था ना, आज भी ऐसा ही होता है। अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री को अंडर में ले ले तो वो यही बोलेगी कि आज से इस कंट्री में हमारे ही कायदे कानून लगेंगे। तो अभी इस समय पर हमारे हृदय का जो राजा है वो कौन है? मन। ये मन ही हमारे हृदय का राजा बना बैठा है और इसी के कहने पर हम सारी चीजें करते हैं। लेकिन जब हम जय ध्वनि देते हैं तो हम क्या प्रार्थना करते हैं? हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे श्रील प्रभुपाद, आप हमारे हृदय पर विजय प्राप्त करें और अपने सिद्धांतों को, अपने आचार विचारों को हमारे हृदय पर क्या करें, स्थापित करें। यही वास्तविकता में जय ध्वनि का महात्मा है, तात्पर्य है जय ध्वनि देने का। तो हम श्रील प्रभुपाद जी से की जय बोलकर ये एक बार प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे हृदय पर विजय प्राप्त करें, आपके सिद्धांतों को हमारे हृदय पर क्या करें, स्थापित करें। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर षष्ठी श्रीमद भक्ति वेदा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय हो। सर्वप्रथम शिला गुरुदेव कहते थे कि जो प्रभुपाद हैं वो कैसे हैं, वो वैकुंठ पुरुष हैं और उनका जो वैशिष्ट है वो भी वैकुंठमयी है, यानी अप्राकृत है। अप्राकृत, अप्राकृत मतलब जहाँ पे हर वस्तु केवल एक वस्तु से जुड़ी हुई है। कृष्ण को कैसे आनंद की प्राप्ति हो, यही वास्तविकता में अप्राकृत का अर्थ है। तो ये अप्राकृत वस्तु कौन है? श्रील प्रभुपाद। और उनके जितने भी विचार हैं वो भी कैसे हैं, सब अप्राकृत। जितने भी पूर्व आचार्य हुए उन सब के वैशिष्ट्य को उन्होंने धारण किया और फिर भी अपने एक अलग से उनका वैशिष्ट्य रहा,
इस जगत के अंदर। प्रभुपाद के विचारों को जानने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो बताया कि शीला रूप गोस्वामी जी ने जो ये भक्ति की परिभाषा दी है, क्या दी है, अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन अनुशीलनम भक्ति कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। बोल रहे हैं अन्य अभिलाषित शून्यम। देखिए शीला प्रभुपाद जो है उनके दो प्रकार के विचार उन्होंने स्थापन किए। सबसे पहला था उनके जो आदर्श थे वो थे निधि निषेध मूलक उपदेश, दूसरे थे विधि मूलक उपदेश। ये दो प्रकार के जो उपदेश हैं उन्होंने इस जगत में आकर प्रदान किए। लेकिन शीला प्रभुपाद कहते हैं कि इस जगत में आने के बाद मेरा ज्यादातर समय तो नेति 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 इसमें ही बीत गया, यानी क्या भक्ति नहीं है। और वास्तविकता में एक बद्ध जीव के लिए परम कल्याण की वस्तु भी यही है जानने योग्य कि पहले क्या भक्ति नहीं है। अगर कोई नया नया मठ के अंदर आता है तो उसको भी हम क्या बताते हैं, पहले क्या भक्ति नहीं है, भैया प्याज लहसुन छोड़ो। गुरुजी क्या बोलते हैं, सबसे पहले प्याज लहसुन छोड़ो, है ना, गंदे काम छोड़ो, चार पाप छोड़ो, सबसे पहले भक्ति में आने के लिए। तो ये नेति नेति जो नेति नेति है ना, यही सबसे पहले प्रभुपाद जी ने आधे से ज्यादा जीवन इसमें ही प्रभुपाद का गया। प्रभुपाद जी ने कर्मी बोला कि जो कर्मी लोग हैं ज्ञानी लोग हैं, है ना, ये जो भक्ति के अंदर कर्म और ज्ञान को मिश्रित करके भक्ति के रूप में उसका आचरण करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, उन सब का प्रभुपाद जी ने क्या किया, आकर खंडन किया। वास्तविक सत्य को इस जगत के अंदर निर्भीकता से क्या किया, प्रकाशित किया। प्रभुपाद जी बोलते थे कि अगर मेरे जितने भी शिष्य हैं और जिन्होंने अभिनय भी किया है मेरे शिष्य बनने का, वो एक एक कर मुझे अगर छोड़कर भी चले जाएं, तो भी मैं अपने गुरु रूपी छत्र छाया के नीचे खड़ा होकर वास्तविक सत्य कहता ही रहूंगा, जब तक मेरे हृदय के जब तक मेरे शरीर में रक्त की आखिरी बूंद है। ये प्रभुपाद जी के विचार थे, किसी से भी डरते नहीं थे। इन्हीं बातों को देखकर इन्हीं बातों को सोचकर शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी और शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी क्रंदन किया करते थे। देखिए यहां पर एक वस्तु है, जैसे कि उपदेशामृत में एक श्लोक बोला शिला रूप गोस्वामी जी ने, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि। ये जो श्लोक बोला इसके अंदर क्या बताया कि जो ये हरि नाम है, हरि के गुण हैं, लीलाएं हैं, कथाएं हैं, वो बद्ध जीव को जो भोग अवस्था के अंदर है उसको कैसे लगते हैं, जैसे तो कड़वी दवाई उसको खिलाती हो। लेकिन क्या वास्तविकता में ये कड़वे वचन है, नहीं, ये परम मधुर और परम मिठास वाले वचन है और मिश्री के समान मीठे हैं। उसी प्रकार से जो बद्ध जीव है भोगों में लिप्त है उनके लिए शिला प्रभुपाद के जो ये नेति नेति वाले विचार है ना, ये सब कैसे लगेंगे, जैसे तो तलवारें चल रही है उनके ऊपर। लेकिन वास्तविकता के अंदर ये विचार अगर हम परमहंसों के द्वारा जाने तो देखिए शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज और शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी किस प्रकार से क्रंदन कर रहे हैं इन विचारों को देखकर। ये शिला प्रभुपाद जी के विचारधारा है। उन्होंने वास्तविक सत्य कहने से कभी भी वो पीछे नहीं हटे। वो साफ बोलते थे कि जो इतने भी कर्म कांडी है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कर्म कांड ज्ञान कांड केवल निषेध भांड, ये जितने भी कर्म और ज्ञान कांड है ना, इस सब क्या है, निषेध भांड, यानी निषेध है, इनसे कुछ भी वास्तविक वस्तु प्राप्त नहीं की जा सकती। किस प्रकार से निर्भीकता से प्रचार करते थे, लाखों लाखों रुपए का दान भी अगर आता था तब भी सत्य कहते थे, चाहे वापिस आए पैसा कोई दे या ना दे, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते थे भैया ये जो लाखों लाखों रुपए का दान आ रहा है इससे कई लोग क्या करते हैं, मठों का निर्माण करते हैं, बड़े बड़े मठों का निर्माण करते हैं और वहां पर विचारधारा कुछ होती नहीं है, लुप्त हो जाती है। तो प्रभुपाद जी कहते थे, परम गुरुदेव ये बात बताते थे कि इस जगत के अंदर हम काट पत्थर के मिस्त्री बनने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं। ये प्रभुपाद जी के विचार थे। अब शिला प्रभुपाद जी किस प्रकार से, देखिए वास्तविक सत्य और किस प्रकार से उनका वैशिष्ट्य, किस प्रकार से उनकी अंतर की भावनाएं हैं, वो एक घटना से हम सुनते हैं। एक बार 1929 में काशी में उनसे एक जज मिलने आए, उनके एक मित्र थे जज के, वो थे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वो थे, उन्होंने बोला जज ने शिला प्रभुपाद को
हे प्रभुपाद, मेरे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने क्या किया, उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो उन्होंने, मैंने देखा, रात भर महाप्रभु का कीर्तन करने लग गए, जोर जोर से, उच्च स्वर से। लेकिन फिर जब मैं कुछ दिनों बाद गया तो मैंने देखा कि उनके घर में कोई कीर्तन ही नहीं हो रहा, कोई महाप्रभु का नाम नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? तो देखा उनकी बेटी की जो है मृत्यु हो चुकी थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आप महाप्रभु का कीर्तन नहीं करते अब? तो उन्होंने बोला, अरे कोई महाप्रभु का महाप्रभु नहीं है, हाँ कोई महाप्रभु का महाप्रभु नहीं है, अगर महाप्रभु होते तो मेरी बेटी की रक्षा कर लेते। ठीक है, अब इस बात को शिला प्रभुपाद जी बड़ी धैर्य से, गंभीरता से श्रवण कर रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद जब जज चुप हुए तो फिर शिला प्रभुपाद जी ने बोलना प्रारंभ किया। किस प्रकार से बोलना प्रारंभ किया, यहाँ पर देखिए। उन्होंने बोला, देखो तुम्हारे जो महाप्रभु है वो बगान के माली जैसे महाप्रभु हैं, जिनको कुछ भी ऑर्डर सप्लाई करो और वो दे देंगे तुम्हें लाके। लेकिन हमारे जो श्रीमन महाप्रभु है ना, वो बगान के माली की तरह महाप्रभु नहीं है। वो कैसे हैं? हमारे महाप्रभु हैं श्रीवास जी के महाप्रभु। श्रीवास जी के महाप्रभु क्यों बोला? क्योंकि एक बार जब श्रीवास जी के पुत्र की मृत्यु हो गई और महाप्रभु श्रीवास आंगन में ही नित्य कीर्तन किया करते थे अपने भक्तों के संग में, तो जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो वो देखा जोर जोर से क्रंदन करने की आवाज़ आ रही है। जैसे ही श्रीवास जी के पंडित जी के कानों में ये बात पड़ी, उन्होंने देखा इससे तो महाप्रभु का कीर्तन भंग हो जाएगा। तो वो अंदर गए, अंदर जाकर उन्होंने क्या बोला कि भैया अभी तो एक ही लाश उठा रहे हो, बाद में दो दो लाशें उठानी पड़ेगी। अगर मेरे महाप्रभु के कीर्तन में किसी भी प्रकार का तुम्हारे क्रंदन से बाधा आई और कीर्तन बंद हुआ तो मैं भी गंगा में कूद के अपने प्राणों को त्याग दूंगा। यहाँ पे कितने ऊंचे विचार प्रकट किए प्रभुपाद जी ने। जिस प्रकार से शिक्षाष्टकम के अंदर शिक्षा दी श्रीमन महाप्रभु ने, क्या शिक्षा दी? आशीलस्य वा पादरताम विनष्टु माम अदर्शनात् मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातुलं पटो मत प्राण नातस्तु नातपरः। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ब्रज गोपियाँ? ब्रज गोपियों के भावों को यहाँ पर महाप्रभु ने अंतिम में लास्ट श्लोक के अंदर क्या किया? प्रकाशित किया। क्या प्रकाशित किया? कि हे लंपट, हे कृष्ण, आप चाहे हमें आलिंगन करके, प्रगाढ़ आलिंगन करके परम आनंदित कर दीजिए, चाहे आप हमारे को पैरों के तले रौंद दीजिए, ठीक है, या फिर आप अपने दर्शन ना देकर हमें तड़पा डालिए, लेकिन फिर भी आप भी हमारे एकमात्र प्राणनाथ रहेंगे। तो इस प्रकार से भावना से हमारे को क्या करना है? श्रीमन महाप्रभु की, श्री कृष्ण की सेवा करनी है, श्री कृष्ण की। वास्तविकता में भजन का जो तात्पर्य है वो यही है, भगवान का सुख है ना, भगवान का सुख, ना कि हमारा सुख। अभी अभी जो हमारे विकास प्रभु कीर्तन कर रहे थे उसमें बताया, तोमार सेवाए दुख है जतो सही तो परम सुख, आत्मनिवेदन तुआ पद करे। ये जो कीर्तन कर रहे थे इसमें यही बताया ना अभी कि आपकी सेवा के लिए है प्रभु, अगर मुझे दुख भी पहुंचेगा तो वही मेरा वास्तविक सुख होगा। तो इस प्रकार की भावना से, इस भावना को लक्षित करके हमारे को क्या करनी है? श्री कृष्ण की सेवा करनी है। और शिला प्रभुपाद ने बताया कि जो ये कर्म कांडी ज्ञान कांडी है, इनसे श्रेष्ठ कौन है? अर्चनकारी एक कनिष्ठ अधिकारी, जो कृष्ण के सुख के लिए केवल घंटा बजा रहा है मंदिर के अंदर, वो इन ज्ञानी और कर्मियों से अनंत कोटि गुना श्रेष्ठ है, है ना। करोड़ों करोड़ों रुपए के अस्पताल, करोड़ों समाज सेवा कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है, उससे श्रेष्ठ कौन है? एक मंदिर के अंदर घंटा बजाने वाला अर्चनकारी एक कनिष्ठ अधिकारी, वो श्रेष्ठ है। ये शिला प्रभुपाद के विचारधारा है। और प्रभुपाद क्या क्या करते थे? देखो ये जो कर्म कांड ज्ञान कांड, इनका आश्रय लेने वाले कौन है? इनका आश्रय लेने वाले हैं परम कपटी लोग। कपटी कौन है? कपटी के लिए बारे में क्या बताया यहाँ पे बोल रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर। कपटता क्या है? बोल रहे हैं धर्म अर्थ काम यही सब अज्ञान ते मेरे नाम, हाँ अज्ञान तम अज्ञान ते तमेर नाम कैया कैतब।
बोल रहे हैं कि केतव कपटता की डेफिनेशन क्या है वास्तविकता में। जैसे हमने बोला ना कि कृष्ण के तीन प्रकार के हैं, एक है पूर्ण, एक है पूर्णतर, एक है पूर्णतम, यानी पूर्णतम यानी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। उसी प्रकार से अज्ञान, अज्ञानतर और अज्ञानतम, तो जो सुपरलेटिव डिग्री है ना अज्ञान की, हाइएस्ट डिग्री, वो ही वास्तविकता में क्या है, कपटता। कपटता का अर्थ क्या है, जो लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष में फंसे हुए हैं, नित्य अनित्य वस्तुओं के अंदर जीवन व्यापन कर रहे हैं, अधर्म के अंदर अपना जीवन को व्यापन कर रहे हैं, अर्थ कामना के लिए कीर्तन कर रहे हैं और अर्थ कामना के लिए बाहर जा जाकर कथाएं कर रहे हैं, इनमें फंसे हुए हैं, वही वास्तविकता में क्या है, कपटता। तो फिर बोला क्या धर्म को छोड़ दें, धर्म को छोड़ दें, तो नहीं बोला, परम धर्म को पालन करो। परम धर्म क्या बताया भागवत में, सवय पुंसा परो धर्मा यतोर भक्ति यतोक्षच अहेतु की अप्रतिहता ययम आत्मा सुप्रसिद्ध यति। यही वास्तविकता में परम धर्म बताया शास्त्रों के अंदर, बताया कि नहीं बताया। फिर बोले कि कोई कामना ही नहीं करें, तो बोला नहीं, परम कामना करो, कृष्ण सुख की कामना करो और किसी प्रकार का अर्थ अर्जन नहीं करें, ने बोला नहीं, परम अर्थ का अर्जन करो। परम अर्थ यानी भगवान को मैं किस प्रकार से सुख प्रदान कर सकता हूं और उससे मेरे को क्या अर्थ मिलेगा, भगवान की सेवा का अर्थ। और भी बोला मोक्ष की कामना भी मत करो, तो बोला नहीं, मोक्ष की कामना नहीं, परम मोक्ष की कामना करो। परम मोक्ष की कामना का मतलब क्या है, भगवान, भगवान और तुम, भगवान से घनिष्ठता बढ़ाने की कोशिश करो, इतनी घनिष्ठता कि तुम और भगवान एक हो जाएं। अब यहाँ एक होने का तात्पर्य ये नहीं है कि तुम ब्रह्म में जाके लीन हो जाना, यहाँ पे एक होने का जो वास्तविक तात्पर्य है, वो एक होने का मतलब ये बताया गया कि भगवान के प्रति इतनी ज्यादा घनिष्ठता तुम्हारी बढ़ जाए कि ना तो तुम और ना वो तुम्हारे बिना रह सके, छटपटाने लग जाए भगवान तुम्हारे बिना और तुम भी भगवान के बिना छटपटाने लग जाओ। जिस प्रकार ब्रज गोपियां जब भगवान कृष्ण द्वारका जा रहे हैं, किस प्रकार से भगवान के विरह के अंदर ब्रज में आने के बाद विरह कर रही हैं गोपियां, मैया यशोदा, गैयाओं ने दूध पीना बंद कर, गैयाओं ने दूध देना बंद कर दिया है ना, बछड़ों ने दूध पीना बंद कर दिया, चूल्हों पर मकड़ी के जाले लग गए और गोपियां जितने भी ब्रजवासी हैं ऐसा लग रहा है कि बस अगले क्षण प्राण को त्यागने वाले हैं। प्रभु जी कथा में बताते हैं सुंदर गोपाल प्रभु जी है ना, और ऐसा लग रहा है अगले क्षण बस प्राण त्याग देंगी, लेकिन फिर भी प्राण नहीं त्याग रही, प्राण को धारण करके रख रही है। क्यों, कृष्ण सुख, कृष्ण को कितना बुरा लगेगा कि हम जब प्राण त्याग देंगे, उनको कितना दुख होगा कि गोपियों ने प्राण ही त्याग दिए। जैसे कि शिला गुरुदेव ने डिफ्रेंशिएट किया ना, किसका, नंद बाबा यशोदा मैया और दशरथ जी महाराज, कि दशरथ जी महाराज जी ने क्या किया, राम के विरह में प्राण ही त्याग दिए और नंद बाबा यशोदा मैया तो प्राण ही त्याग रहे, तो श्रेष्ठ आप साधारण लोगों को क्या लगेगा, अरे राम के विरह में तो प्राण ही त्याग दिए। लेकिन वास्तविकता में यहाँ पे नंद बाबा यशोदा मैया और जितने ब्रजवासी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्राणों को धारण करके रख रहे हैं, केवल किस लिए कि नहीं कभी तो कृष्ण आएंगे और हमें देखकर प्रसन्न होंगे, उनके सुख के लिए प्राणों को धारण कर बैठे हैं कौन, ब्रजवासी। और देखिए शिला प्रभुपाद ने गौड़ीय वैष्णवों के कुछ आदर्श बताए कि गौड़ीय वैष्णव होने के, वास्तविक गौड़ीय वैष्णव होने के क्या आदर्श हैं। पहला बताया उन्होंने कि शत प्रतिशत शिष्य हुए बिना गुरु नहीं हुआ जा सकता। दूसरा बताया शत प्रतिशत श्रवण की इच्छा हुए बिना कीर्तन नहीं किया जा सकता। शत प्रतिशत आचार किए बिना आचार्य नहीं हुआ जा सकता। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम किए बिना रूपानुग धर्म प्रचारी नहीं हुआ जा सकता। कृष्ण तत्व वेत्ता हुए बिना गुरु नहीं हुआ जा सकता। ये गौड़ीय वैष्णवों के क्या बताए, वास्तविक आदर्श बताए शिला प्रभुपाद ने। अब यहां पर देखो पूरा शिला प्रभुपाद जी का जो जन्म था वो नेति नेति करते हुए बीता, लेकिन शिला प्रभुपाद जी का एक और वैशिष्ट्य है जो कि हमने देखा था विधि मूलक उपदेश, क्या है, अनु, सेकंड लाइन क्या हुई इसकी, अपने अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल से कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुक्तमा,
किस प्रकार से कि भक्ति के भगवान के सुख की अनुकूलता वास्तविकता में क्या है। जो राधा जी की सेवा परिकाष्ठा है, उसकी जो माधुर्य है ना, उसकी सबसे सर्वोत्तम जो परिकाष्ठा है वही वास्तविकता में अनुकूलता है। और वही श्रीमन महाप्रभु हमारे को उसका एक श्री देने आए, जो कि क्या है वास्तविकता में मंजरी भाव। श्रीमती राधा जी और ब्रज की ललिता सखी विशाखा सखी के अनुगत्य के अंदर, मंजरियों के अनुगत्य के अंदर, रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य के अंदर किस प्रकार से भजन करना है, यही वास्तविकता में इस अनुकूलता का अर्थ है। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन का है ना, और कोई इसका अर्थ नहीं है। अब एक बहुत अच्छी बात, किस प्रकार से प्रभुपाद जी का वैशिष्ट्य था ये यहाँ पर देखना सिद्ध कैसे होता है। प्रभुपाद जी के बारे में एक कीर्तन लिखा एक वैष्णव ने, क्या लिखा, जयो रे प्रभुपाद, जयो रे जय प्रभुपाद, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती परमहंस महाशय। ये कीर्तन का लिखा शिला प्रभुपाद जी के लिए एक वैष्णव ने। अब ये जो थे, ये व्यक्ति कभी प्रभुपाद जी से मिले नहीं, आश्चर्य की बात, कभी प्रभुपाद जी से मिले ही नहीं है ना, और प्रभुपाद जी के पीछे से प्रभुपाद जी की अच्छे से निंदा करते थे शुरू में, अच्छे से उनके विचारों के सबकी। लेकिन जब बाद में इन्होंने इनके विचारों को समझा, जब इन्होंने देखा प्रभुपाद क्यों आ रहे हैं क्यों जा रहे हैं, तब इन्होंने ही ये कीर्तन इनके बारे में लिखा। और इस कीर्तन में क्या लिखा कि जय हो प्रभुपाद, कौन, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, सरस्वती जिनके मुख पर सदा क्या रहती है, विद्यमान रहती है। किस प्रकार से उन्होंने ज्योतिष विद्या थी उनके पास, सब ज्योतिषों ने बोला कि आप यहाँ पर इस गद्दी पर बैठने के लायक है, हम तो लायक ही नहीं है, है ना, हम तो लायक ही नहीं है इस गद्दी पर बैठने के लायक। किस प्रकार से उन्होंने भक्त सिद्धांतों को क्या किया, ब्राह्मणों की सभा के अंदर सिद्धांत स्थापित किए, जब फिर उनका नाम सिद्धांत हुआ, और जब उनको संन्यास मिला तब उनका नाम हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, ठीक है, ये उनका नाम का वैशिष्ट्य है। बोला परमहंस महाशय, अब बोला परमहंस महाशय, इस परमहंस का वास्तविक अर्थ क्या है, एक होता है हंस, एक होता है परमहंस, एक होता है महाशय, एक होता है परमहंस, एक होता है परमहंस, एक होता है महाशय, वो राजहंस, सॉरी। हंस क्या होता है, जो दूध के अंदर पानी होता है ना, उसको दूध को अलग और पानी को अलग कर दे, दूध को अलग और पानी को अलग, दूध को पान कर ले और पानी को ऐसे ही छोड़ दे। तो यहाँ पे दूध और पानी क्या है भक्ति राज्य के अंदर, जो अनित्य नित्य, अधर्म धर्म है ना, अधर्म धर्म अनित्य नित्य, विद्या अविद्या इनको जो मिश्रित है उनको अलग करके, और विद्या का नित्य वस्तु का परम धर्म का परम कामना को जो पालन करे वो कौन होता है, हंस, जो स्वयं आचरण करे खुद के लिए जो करे, राजहंस। क्या फिर परमहंस क्या होता है, परमहंस वो होते हैं जो इन सब वस्तुओं को तो करे, यानी हंस तो उसमें आ ही गए, जो इन सब का आचरण तो करे साथ साथ में दूसरों को भी उसके अंदर क्या करें, उसी वस्तु का पालन करने के लिए क्या करें, प्रेरित करें। बोला ना आचार्य आचिनोति या शास्त्रार्थम आचार्य स्थाप्यत्यपि यस्मात् आचार्यस्ते स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। वही वास्तविक क्या है, आचार्य है। परमहंस की वास्तविक डेफिनेशन क्या है, यही है। और जैसा कि शुरू शुरू में हमने देखा कि गुरु परंपरा का कीर्तन क्या क्यों करते हैं, उसमें केवल मात्र क्या है गुरु, परमहंस का वास्तविक अर्थ क्या है, जो रसों के अंदर भी श्रेष्ठ रस को निकाले और उसी में मार को क्या करें, स्थापित करें। और जो शुरू में हमने देखा था गुरु परंपरा के कीर्तन में भगवान और भक्तों के नाम है, उसमें केवल भगवान और भक्तों के नाम है और कुछ नहीं है, तो भगवान और भक्तों के नाम से क्या होगा,
और कोई तात्पर्य नहीं है, जैसे हम दूसरा बोलते हैं कीर्तन गौरान बलिते हबे पुलक शर्ग, इसमें एक मीनिंग है, लेकिन उस कीर्तन में कोई मीनिंग नहीं, केवल भगवान और भक्तों के नाम ही है। तो श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वैष्णवेर नाम लैया आर किछु ना करीबा, केवल मैं वैष्णवों का नाम लूंगा, वैष्णवों का गुणगान गाऊंगा और दूसरी कोई वस्तु को पालन करूंगा ही नहीं। तो जी और गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म मितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म मितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी के चरण में जता जी को प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न किया, बोले प्रभुपाद ये संसार से कौन उद्धार पा सकता है, ये संसार से कौन उद्धार पा सकता है। प्रभुपाद ने बोला जखन ही हमारा भगवान ने सेवा करो ना तखन ही अन्य चिंता व भोग चिंता ऐसे आमादेव के ग्रास करीबे। जब हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे उस समय क्या होगा कि दूसरे चिंता और भोग बुद्धि आकर के हम लोगों को ग्रास करेगा। इसलिए क्या करनी चाहिए, हर समय भगवान की संख्या पूर्वक नाम गान नतीली ताला बसान तो। इसलिए हर समय हमें बिजी रहनी चाहिए, समय को बिजी रखनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम बद्ध जीव है, हमें समय मिलते हम क्या करेंगे, बस ये मन का काम को चिंतन करना है। और ये मन तो बड़ी कठिन से भगवान की चिंतन करता है, माया की चिंता तो मन मन में अपने आप आता है, ये मन को बोलना ही नहीं पड़ता माया की चिंता करो। इसलिए क्या करो, हर समय प्रभुपाद कहते हैं भगवान की सेवा में हर समय लगे रहो, किसी ना किसी तरह से भगवान की सेवा में लगे रहनी चाहिए है। इसलिए श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बोलते बोलते हैं 24 घंटा में 24 घंटा क्या करो, भगवत स्मरण भगवत सेवा में हर समय मन को लगा करके रखो। क्यों, अगर उसमें नहीं लगा के रखेंगे तो क्या होगा, दूसरा समय होते ही दूसरे चिंता में मन लग जाएगी है, फिर भोग बुद्धि आकर के हमको ग्रास करेगा। इसलिए प्रभुपाद क्या बोले, महाप्रभु क्या बोले, उसके हाथ की भोजन मैं करूंगा जो लखपति बनेगा, जो 1 लाख हरिनाम करेगा उसके हाथ का भोजन ही मैं करूंगा। अरे बताओ 1 लाख समय, 1 लाख माला करने के लिए कितना समय लगेगा बोलो, 6-7 घंटा तो लग ही जाएगा। 6-7 घंटा अगर हम देखना 16 माला अगर करते हैं सवेरे लेकर शाम तक 16 माला खत्म नहीं होती। अगर 1 लाख माला करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो आपका समय ही नहीं रहेगी इधर उधर बात करने के लिए। हमें जो थोड़ा समय मिल जाता है ना, फिर हम बैठी करके इधर की उधर की उधर की उधर फिर बात करना शुरू कर देते हैं। अगर जो व्यक्ति 1 लाख संकल्प करेगा रोज मैं 1 लाख हरिनाम करूंगा, फिर क्या होगा, उसको समय रहेगा इधर उधर बात करने की, अरे माला पूरी नहीं हुई, माला पूरी नहीं हुई है, फिर माला पूरी नहीं हुई तो गड़बड़ी है। इसलिए फिर समय को नष्ट नहीं करेगा। अगर अगर हम लोग ने हर समय ठाकुर को सेवा में लग रही है, इसलिए मेरे गुरु जी कहते थे हर समय सेवा में लगा रहना बहुत अच्छी बात है। इसलिए हर समय सेवा में लगे रहो, बोले क्यों, बोले हम बद्ध जीव हैं, बल्कि हरिनाम करते समय कभी भोग चिंता आ जाती है हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर समय सेवा में लगा हुआ होगा ना, सब समय बिजी रहा होगा सेवा में,
हर समय सेवा में लगा हुआ होगा, उसको मन को समय नहीं कभी इधर उधर चिंता करने को है। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे वृद्ध जीवों को ज्यादा से ज्यादा सेवा में लग रहे, हाथों में सेवा करो और मुंह में भगवान की नाम करो है। अगर ऐसे अगर करेंगे, अगर 1,00,000 माला पूरी करना, अगर बोलेंगे माला लेकर के 1,00,000 करे, 1,00,000 हरि नाम करे, अगर कोई सोचे अच्छी बात है, लेकिन भैया सेवा को लेकर के ऐसे नहीं सेवा पेवा छोड़ दिए। बोले महाप्रभु बोले 1,00,000 हरि नाम करनी चाहिए, बस माला लेकर बैठी है। इसलिए गुरु जी कथा सुनाते थे, गुरु जी कथा सुनाते थे, नए नए शिष्य आए, गुरु जी कथा प्रसंग में बोल दिए, महाप्रभु कहते हैं जो 1,00,000 माला नहीं करेगा उसका हाथ का भोजन महाप्रभु नहीं करते, बस माला लेकर बैठ गया। लेकिन पहले तो भिक्षा को द्वारा जीविका निर्वाह करते थे, घर घर में जाकर के आटा चावल लाओ, लकड़ी लाओ, रोसे बनाओ, तब भोजन होगा। अब तो रिश्ते ला तो माला लेकर बैठ गए। गुरु जी ने बोले बेटा जाओ भिक्षा करके लाओ। इसलिए शास्त्र में बताया ब्रह्मचारियों नियम है सप्तम स्कंद में, रोज घर से मंदिर से बाहर जानी चाहिए, रोज भिक्षा करके लानी चाहिए हैं भिक्षा। और उतना भिक्षा करो अपना लिए तो करो, कभी भी गुरु जी को ऊपर में वैष्णव को ऋणी मत बना करो, ऋणी नहीं रहनी चाहिए। इतना भिक्षा करो जो कि आपका भी हो जाए और गुरुजन की वैष्णव का भी हो जाए, रोज भिक्षा के लिए जानी चाहिए। सप्तम स्कंध में वर्णनात्मक ब्रह्मचारियों का क्या कर्तव्य क्या है, रोज जानी चाहिए मठ से बाहर, क्योंकि सेवा के लिए नहीं जाएंगे ना फिर तो क्या होगा। कितना विषय अर्ण खाइल मलिन है मन, मलिन हैल मन ना है कृष्ण स्मर। अगर हम भिक्षा वृत्ति तरह नहीं करेंगे, जैसे मथुरा में जब हम पहले पहले आए तो गुरुदेव ने बोले रसानंद जाओ भिक्षा में जाओ। बोले गुरुदेव हमें तो भिक्षा करना आता है। बोले तो जाओ घूम घूम करके आ जाओ, कुछ घर से जा करके घूम करके किसी घर से आ जाओ। तो हम गए जा करके तो कुछ घर से घूम कर गए, थोड़ी सी आटा लेकर गए। गुरुदेव खुश हो गया, बहुत लेकर गया। गुरुदेव उत्साह दिए, बोले बहुत भिक्षा तुमने बहुत भिक्षा लेकर के आए। फिर उसके बाद में फिर हमारा तो गौड़ी पट का प्रचार हो गया था, फिर भक्तों दो ब्रह्मचारी जाते थे, अभी भी जाते हैं मथुरा में, दो ब्रह्मचारी जाते थे घर घर से आटा चावल चीनी नमक मसाला घी हैं ये सब कुछ मिलता है, सब लोग थोड़े थोड़े देते हैं। इसलिए नियम है कहते ब्रह्मचारियों को रोज भिक्षा करनी चाहिए, गुरु वैष्णव के ऊपर में कभी ऋणी नहीं बननी चाहिए, ऋणी नहीं बननी चाहिए। इसलिए सेवा, इसलिए अभी माला लेकर बैठ गए। गुरुदेव बोले बेटा जाओ भिक्षा करके लाओ। बोले गुरुदेव आप बोले ना महाप्रभु 1,00,000 माला जो नहीं करते उसका हाथ भोजन नहीं करते, अभी तो 1,00,000 माला पूरी नहीं हुई। गुरुदेव स्वयं गए भिक्षा करके ले आए। बोले बेटा कम से कम थोड़ी सी तो रसोई बना दो। बोले गुरुदेव अभी तो माला पूरी हुई नहीं। अभी गुरुदेव रसोई बनाए। बोले बेटा थोड़ा ठाकुर को भोग लगा दो। बोले गुरुदेव अभी थोड़ा बाकी है। गुरुदेव भोग लगाए। बोले बेटा आसन तो बिछा दो कम से कम। बोले गुरुदेव थोड़ी सी माला बाकी है। अब गुरुदेव खुद आसन बिछा दिए। जब आसन बिछा दिए बोले बेटा कम से कम प्रसाद सेवा तो कर लो। बोले गुरुदेव कितना अपना आज्ञा तो अवमान ना करेंगे, इतने आज्ञा तो अवमान न किया, अभी लास्ट आज्ञा तो पालना करेंगे, बस वैसे करके प्रसाद मांग लो। इसलिए गुरुदेव कहते थे भैया ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, हर समय में सेवा में ना हर समय में सेवा में हमें तत्पर रहनी चाहिए, क्योंकि सेवा करने पर हमारी संस्कार बनता है। और जब तक हमारी हमारे गुरुदेव कहते थे भैया हम बहुत बात सुनते हैं, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति रुचि निष्ठा सत्य भ्राव, बहुत ही बात तो सुनते हैं लेकिन कुछ हो रहा है क्या? कुछ हो ही नहीं रहा है, गाड़ी जहाँ के काम वहीं पर बैठा हुआ। गुरुदेव कहते थे इसलिए नहीं हो रहा है, अभी तक हमारे कोई संस्कार नहीं है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे भैया ये शरीर को रगड़ करके सेवा में लगा, गुरुदेव कहते थे, क्योंकि ये जो ब्रह्म जैसे हम लोग ब्रह्मचारी पालन किया तुमको पता होगा
ब्रह्मचर्य पालन करना कितना कठिन है। इसी समय में साधारण लोग क्या करते हैं, विषय भोग कर रहे हैं इसी उम्र में, मीडियम उम्र में। ये इंद्रियों को दमन करना इतने आसानी बात नहीं, गुरुदेव कहते हैं इतना आसानी नहीं इंद्रियों को दमन करना, कितने कठिन तुमको पता लगता होगा ब्रह्मचारियों को काम को। गुरुदेव कहते थे भैया ये कभी कभी शास्त्र ज्ञान भी यहाँ कभी कभी काम नहीं करता, शास्त्र ज्ञान भी सर के ऊपर से उड़ जाते हैं। गुरुदेव कहते थे एक चीज रक्षा कर सकता है, जो व्यक्ति इसी उम्र में अपना शरीर को रगड़ करके जो सेवा में लगे, अगर हर समय तुम देखना सेवा में लगे रहे, इसलिए हमारे गुरु जी को मठ में देखना ज्यादा उस सेवा के ऊपर गुरुदेव ज्यादा उन्होंने दिया। जानते हैं कि ब्रह्मचार्यों को ब्रह्मचर्य पालन बड़ा कठिन है, अगर सेवा में हर समय ये लगे रहेंगे ना, किसी ना किसी सेवा में अगर मन लगा रहेगा, हमारी मन को ये नहीं, मन को समय नहीं, उसको कोई दूसरे चिंता करेगा। देखो हमारे गुरु जी और ऐसी चीज करते थे, इसलिए किसी ब्रह्मचारी को कभी भी अकेले घर में रहने नहीं देते, ये चीज भी सावधान रहे। हमारे गुरुदेव किसी ब्रह्मचारियों को किसी को अकेले किसी रूम में रहने नहीं देते थे। बोले क्यों, जब हम अकेला जब बैठते हैं ना, हम तो बद्ध जीव, स्वाभाविक रूप में ये मन माया की चिंता करने लग जाता है। फिर कोई गलत काम करने के लिए ना ये दिधा गलत काम कर डालता है अकेला, लेकिन जब किसी साधु को सामने हम रहेंगे, भक्तों को सामने, आप देख लेना मन में कोई गलत चीज आने पर भी तुम गलती काम नहीं कर सकते। क्यों, सामने बैठना कुछ कहेगा, एक तो शर्म लगेगा नहीं, तो ए तू क्या कर रहे हो बोलेगा ना, क्या कर रहे हो, इसलिए वो गलत काम नहीं करेगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे ब्रह्मचारियों को अकेले किसी रूम में नहीं रहनी चाहिए, साथ में कम से दो भी हो ठीक है, तीन चार पांच हो तो बढ़िया। हमारी पूरी मंदिर में हम जब आए, हम तो कभी जिंदगी में अकेले किसी रूम में रहेंगे नहीं, जिस जहाँ पर सबके सब प्रसाद पाते थे ना, जहाँ पर बैठ कर के प्रसाद पाते थे सबके सब, हमारे सागर महाराज भी वहीं पर, मुनि महाराज भी वहीं पर सोते थे, मैं भी वहीं पर, हमारे अद्वैत आचार्य प्रभु, अद्वैत प्रभु, एक अच्युतानंद प्रभु, शंकरारण्य प्रभु, वहाँ पर सब थे, सबके सब एक जगह पर सोते थे, क्योंकि एक दूसरे को देखते थे। गुरुदेव बोलते थे भैया ब्रह्मचारियों को अकेले किसी रूप में मत बैठा करो, क्यों, बैठते ही विषय चिंता हो, विषय चिंता है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए हर समय किसी ना किसी सेवा में ये मन को हर समय लगा करके, मन को कभी फ्री मत रखा करो, ये मन को कभी फ्री मत रखा करो। गुरुदेव और एक कथा सुनाते थे, बोले कोई एक तांत्रिक था, वो तांत्रिक ने भूत मंत्र को जप किया, जप करते करते अभी भूत को उन्होंने वशीभूत कर लिया। भूत ने कहा देखो तुमने मेरे को बुलाया, मेरे को काम देना पड़ेगा, नहीं तो खा जाऊंगा। तो कोई बात नहीं जाओ, ये इतना बीघा खेती को जोत, वो तो भूत है ना, गया मिनट में करके फिर आ गया। बोले दो काम, बोले हो गया, देख बोले हो गया। बोले एक तालाब खोद लो, गया एक मुक्का मारा तालाब बन गया, वापस आ गया, बोले हो गया, बोले देख हो गया। बोले कि ब्रिज बना दिया, गया चुटकी बजा दी, ब्रिज हो गया। अभी जो कोई काम देना वो फटाफट करके सामने खड़ा हो जाता है। बोले भैया हम कितना काम देंगे, बड़े से बड़े काम थे तो चुटकी बजा दे कर लेता है। अभी तो उसने डर गया, बोले नहीं काम नहीं देखो तो खा जाऊंगा तुमको, इतने में डर गया। डरे ठाकुर का मंदिर खोल दो सनातन, ठाकुर का मंदिर खोल दो, पांच मिनट के बाद में फिर आरती कर ले। इसलिए उसने चुटकी बजाते ही सब काम, अभी एक साधु के पास में गया। जब साधु के पास, बोले बाबा ऐसे ऐसे बात, हम भूत मंत्र को तो सिद्धित किया और भूत कहता है कोई काम दे और नहीं देगा तो खा जाऊंगा, अभी कोई भी बड़ा से बड़ा काम देता हूँ वो तो चुटकी बजा कर खर्म सामने खड़ा हो जाता है, आप बताओ। बोले काम तो चाहता है ना, बोले हाँ। बोले उसको बोलना है कि लंबा बांस ले आ और अच्छे तरह से उसको अच्छे तरह से उसको प्लेन कर दे और उसको काट दे और खूब तेल लगा दे उसमें, और बोले काम तो चाहता है ना, उसको बोलना नीचे से ऊपर उठो और ऊपर से नीचे उठो, काम तो चाहता है ना, उसमें इसी में लगा देना। लेकिन वो भूत, वो तेल लगा हुआ ना, जब चढ़ना जा चलता है चढ़ने के लिए, जितना ऊपर चढ़ता है ना उतना नीचे आ जाता है, क्योंकि स्लिप करता है, ऊपर चढ़ नहीं पाता है, ऊपर चढ़। बोले काम यही काम करते रहो, जब समय होगा बुला लेना। तब गुरुदेव कहते थे
ये मन भी एक भूत है, अगर इसको समय मिला ना खा जाएगा, खा जाएगा मतलब क्या, विषय चिंता करेगा। क्या करो, ये मन को सेवा में लगा कर, हर समय सेवा में लगा कर। सनातन खोले दा, इसलिए सेवा में इसको हर समय में सेवा में लगा कर रखेंगे तो ये मन को समय नहीं मिलेगा इधर उधर जाने के लिए। समय हो गया ना, इसलिए और दो मिनट, इसलिए कहते प्रभुपाद कहते करुणा में श्री कृष्ण यही विपत है थे हमारी की रक्षा करवार जन्य सर्वदा प्रस्तुत। इसलिए कृष्ण हर समय कैसे हमें ये विपत्ति से रक्षा करे, इसलिए हर समय भगवान प्रस्तुत। किंतु हमारा तार ऊपर संपूर्ण निर्भर ना कर ले कि करी रक्षा बाबो, कद भगवान तो हर समय हमें रक्षा करना चाहते हैं, अगर हम उनको पर निर्भर नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे रक्षा हमें मिलेगा है। कृष्ण जीव के गुरु रूपे रक्षा करे थाके, इसलिए भगवान क्या करते हैं जीव को कृपा करने के लिए, भगवान क्या करते हैं इसी जगत में गुरु रूप में गुरु भगवान प्रकटित होते हैं, अंतर्यामी गुरु रूप में व साक्षात गुरु रूप में इसी जगत में प्रकट होते हैं। और जो कृष्ण कृपा मूर्ति बोले गुरुदेव, बोले गुरुदेव कौन है, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति दीन जन पतित पावन गुरु चरण कमल मन। इसलिए गुरुदेव भगवान की कृपा मूर्ति गुरुदेव है, बोले कृष्ण ने प्रतिनिधि श्री गुरुदेव है, जीव के संसार है के उद्धार करे कृष्ण ने निकट निये जवार जन जगत आसे। इसलिए जगत में गुरु आते हैं, बोले कृष्ण का प्रतिनिधि रूप में गुरुपाद पद्म केवल हमें उद्धार करने के लिए इस संसार में आते हैं। जे सब भाग्यवान सज्जन से गुरुदेव कृपा सादर ग्रहण करे तारा इस संसार तक उद्धार पिए परा शांति धाम तीर्थ पारे। जो सज्जन व्यक्ति गुरुपाद पद्म को कृपा पूर्वक ग्रहण करते हैं और वही व्यक्ति ही संसार से पार होकर के भगवान के चरण में वही जा सकते हैं। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमते बहुत भाग्यवान जीव और गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता ने। इसलिए गुरुपाद पद्म के चरण में आश्रय लेना ये भी कोई साधारण बात नहीं, कौन ले सकता है। जन्मांतर भवेत प्रमुख है, जन्म जन्मांतर के जब सुकृति एक कठा होता है तभी कोई व्यक्ति ऐसे गुरु जी के शरण में जा करके तभी भगवत भजन को कर सकते हैं। बोले श्री राधा मदन मोहन लाल की, गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि।